हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेशन फॉर हॉल वोल्टेज। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हॉल इफेक्ट को समझाया था। अब ये हॉल वोल्टेज के जो न्यूमेरिकल्स हैं हर साल लगभग आते ही हैं, इसलिए इसे अच्छे से समझ लीजिए। हर टेक्स्ट बुक में अलग टाइप से डायग्राम ड्रॉ किया गया है, इसलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता है। फॉर्मूला इवन अप्लाई करने में भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में जो भी टर्म आते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी डायरेक्शन पोजिशन सही जानने के बाद ही आप फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आप कैसे पता करेंगे कि जो हॉल वोल्टेज है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। सो यहाँ पर मैं पहले आपको उस कंसेप्ट को क्लियर कराता हूँ, फिर डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दो डायग्राम दिखा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया है, एंड राइट हैंड साइड अब मैंने हॉल वोल्टेज का डायग्राम ड्रॉ किया है जो एग्जाम में आपको इस डेरिवेशन के लिए ड्रॉ करना है। अब देखिएगा, इस जो ये प्लेट है इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, एंड इसके परपेंडिकुलर पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई रेंडमली चार्ज सपोज इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, तो उस इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकता हूँ। करना क्या है फ्रेंड्स, आपको लेफ्ट हैंड जो आपका लेफ्ट हैंड है उसमें फिंगर सॉरी थंब देन इंडेक्स फिंगर एंड मिड फिंगर को आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखना है। देन ये जो इंडेक्स फिंगर है इसे आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए, एंड करेंट को सॉरी मिड फिंगर को करेंट के डायरेक्शन में रखिए। देन ये जो थम है ना ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स का डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये थम आपका लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट करेगा, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पे इस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होकर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे, और इसलिए आपको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होकर आ गए तो यहाँ पर राइट हैंड साइड कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा, पॉजिटिव, जिसको मैंने यहाँ पर प्लस प्लस से दिखाया है। तो मुझे लग रहा है आप ये समझ गए कि कैसे आप पता करेंगे कि इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस तरफ नेगेटिव हो रहा है, किस तरफ पॉजिटिव हो रहा है। तो जिस तरफ फोर्स लगेगा उस तरफ नेगेटिव वोल्टेज डेवलप होगा, उसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव डेवलप होगा, ठीक है। अभी जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप हुए हैं इनके बीच में मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ डी, ठीक है। सो आपको यहाँ पर जो जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ उसे ध्यान में रखना है। तो जहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलप हो रहे हैं वोल्टेज, उनके बीच में जो डिस्टेंस है ये फॉर्मूले में आएगा, ठीक है। तो इसे हमें कंसीडर करना है। फिर नेक्स्ट टर्म कौन सा कंसीडर करना है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना जिस एरिया से निकल रहा है उसके एरिया में मुझे इंटरेस्ट है, तो इस एरिया में मुझे इंटरेस्ट है। सो इस एरिया को मैं कंसीडर करूंगा कैपिटल ए, एंड यहाँ पर ये जो लेंथ है ये डी है, ये जो हाइट है इसे मैं डब्ल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंबल वही यूज़ कर रहा हूँ जो बहुत सारे टेक्स्ट बुक में यूज़ होता है, आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, सिंबल में मत जाइए, आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए कंसेप्ट क्या है। तो आपको जो पोटेंशियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेवलप हुआ है उनके बीच में डिस्टेंस को कंसिडर करना है, और जहाँ से करंट निकल रहा है उसके एरिया को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर डी मैंने लेंथ ले लिया और डब्ल्यू को मैंने क्या ले लिया, हाइट, ठीक है। अब ये जो बाकी का लेंथ है ना इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हम डेरिवेशन में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब फ्रेंड्स जरा देखिएगा कि जो मैंने यहाँ पर चार्ज कंसीडर किया था उसे लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लग रहा था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बट एक बार चार्ज जब शिफ्ट होकर इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया ना, वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अब दोनों में लड़ाई चालू हो गई। तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इसलिए मैं लिख सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू दिस इंड्यूस वोल्टेज, जिसे मैं कहता हूँ एफ एच, ओके। सो अब मैं एफ बी एंड एफ एच के फॉर्मूले को डिराइव करूंगा। सो पूरे के पूरे डेरिवेशन का सबसे पहला स्टेप ये है, और इसी से हम हॉल वोल्टेज को डिराइव करेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंसेप्ट में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय गिवन चार्ज, ओके। सो यहाँ पे मैं चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पर याद रखिएगा हमारे केस में क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ई। तो पूरे फॉर्मूले में हर जगह क्यू लिखूंगा, बट आप क्यू को ई से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज का याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स ये जो इंड्यूस वोल्टेज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे मैं ई एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बिकॉज एच फॉर हॉल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो हर टेक्स्ट बुक में ई एच ही यूज होता है, तो आप कन्वेंशन को फॉलो कीजिए। एंड देन जो फोर्स हो रहा है एक्सपीरियंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन को उसे मैं एफ एच कहूंगा, जो यहाँ पर मैंने यूज किया है, एंड क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ एफ एच इज इक्वल टू ई एच इन टू क्यू। तो ये मैंने फॉर्मूला फाइंड कर लिया फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं फॉर्मूला फाइंड करूंगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड।
तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी का इक्वेशन होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज विथ वेलोसिटी वी। सो यहाँ पे जो चार्ज जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करेंगे उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, तो उसे मैं वीडी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। याद रखिएगा यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। और ये जो एफ है इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा एफ बी से, जो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं एफ बी का फॉर्मूला होगा बी क्यू वी डी। अब फ्रेंड्स ये एफ बी एंड इस एफ एच दोनों को यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, देयरफॉर आई विल गेट बी क्यू वी डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ई एच इंटू क्यू। तो आप देखेंगे क्यू एंड क्यू कैंसिल हो गया, सो मुझे मिला ई एच इक्वल्स टू बी वी डी। ओके सो ई एच इक्वल्स टू बी वी डी। अब ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसे भी हम आगे यूज करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स में। सो अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो अपने पास ई एच है ना हॉल इफेक्ट, तो मैं आपको ई एच का एक और फॉर्मूला बताया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया था, इट इज वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो करना क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इंड्यूस वोल्टेज है ना, प्लस और माइनस इनके बीच में डिस्टेंस देखना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि डी यूज होगा। तो जब मैं ई एच का फॉर्मूला लिखूंगा तो इसे हम लिख सकते हैं इंड्यूस वोल्टेज दैट इज हॉल वोल्टेज वी एच डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, कितना है डी। तो याद रखिएगा जो डिस्टेंस होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का लेंथ होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर डी है तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पर मैं सब्सिट्यूट करूँ देन आई विल गेट वी एच बाय डी इज इक्वल टू बी वी डी। ओके एंड यहाँ से मुझे मिलेगा वी एच इज इक्वल टू बी वी डी इन टू डी। ओके सो दिस इज फॉर्मूला फॉर इंड्यूस हॉल वोल्टेज। अब फ्रेंड्स ये हॉल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है इसे हम बहुत तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आप बस ये फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है, इससे जो भी आपको फॉर्मूला चाहिए सब कुछ निकल सकता है। तो इसे मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। सो फ्रेंड्स जस्ट अभी हमने देखा कि इंड्यूस्ड वोल्टेज वी एच इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इंटू डी। अब ये जो डी है ये क्या है, अब जब भी एग्जाम में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब आप इसमें डी हमेशा उसे पुट करना जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंड्यूस्ड वोल्टेज के बीच का डिस्टेंस हो, नहीं तो कहीं भी कभी बहुत लोग एग्जाम में इसे गलत पुट कर देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो भी इक्वेशंस है उसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। डी क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है उनके बीच का डिस्टेंस। सो यहाँ पर ये जो थिकनेस है इसे मैंने डब्ल्यू लिया था, और मैंने आपको कहा था कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जहाँ से करेंट फ्लो हो रहा है उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर एरिया के टर्म में चेंज करूंगा। सो देखते जाइएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि जो हॉल वोल्टेज है उसमें हम इसका यूज करेंगे। सो ऑलरेडी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था आई अपॉन एन क्यू ए। सो अब इस फॉर्मूले को हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, सो आई विल गेट वी एच इज इक्वल टू आई, अब देखिए ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है ये मैं वी डी की जगह सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, सो एन क्यू ए इंटू बी डी। सो ये भी एक फॉर्मूला हुआ हॉल वोल्टेज का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बस इस फॉर्मूले को याद रखिए एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को याद रखिए, इसके जितने भी मॉडिफिकेशन है आप उसे आराम से एग्जाम में डिराइव कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसके मैं दो फॉर्म्स बनाऊंगा, देखते जाइएगा। अब यहाँ पर आई बाय ए को मैं एक साथ रख सकता हूँ, सो वी एच इज इक्वल टू आई बाय ए इंटू बी डी अपॉन एन क्यू। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब आई बाय ए क्या होता है, करंट डेंसिटी जिसे हम जे से दिखाते हैं, सो जे बी डी डिवाइडेड बाय एन क्यू। ये भी हुआ हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला, ठीक है। सो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये दो इक्वेशन याद रखने हैं, आप बाकी के सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। फ्रेंड जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आई बी डी डिवाइडेड बाई, ये जो एरिया है ना इस एरिया को मैं लिखूंगा। अब देखिए ये एरिया क्या है, यहाँ पर ये जो एरिया हम यूज कर रहे हैं ये बेसिकली ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पूरे डेरिवेशन में जो जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको जानना चाहिए। तो ये जो एरिया है हमेशा वो एरिया होगा जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो मैंने येलो कलर में ड्रॉ किया है ना ये एरिया है, और इसका एरिया कितना है डब्ल्यू इंटू डी। सो आप देखेंगे ये डी कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा आई बी अपॉन एन क्यू डब्ल्यू। ओके डब्ल्यू इज थिकनेस ऑफ गिवन प्लेट। सो ये रहा दूसरा इक्वेशन वी एच के लिए। तो एग्जाम में आपको क्या क्या
इनपुट डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले को मॉडिफाई करना होगा। तो आप सिर्फ ये दो फॉर्मूले को याद रखिए, जो भी डेटा दिया गया होगा उसके हिसाब से हम फॉर्मूला मॉडिफाई कर देंगे। तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ गया कि कैसे आपको हॉल वोल्टेज को फाइंड करना है एंड उसके फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर गिवन सिचुएशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हॉल कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। थैंक यू सो मच।